तो पक्षियों के लिए बेस्ट डाइट क्या है? पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके पक्षियों के लिए एक निश्चित प्रकार के पैरेट या फिर पैराकेट फूड की जरूरत है। कोई भी एक प्रकार के भोजन जैसे कि सीड ओनली डाइट आपके पक्षी के न्यूट्रिशन के लिए इनफ नहीं है। आपके पक्षी को सही आहार देना बहुत जरूरी है उनके हेल्थ और उनके लंबे लाइफ स्पैन के लिए। कोई भी पक्षी के लिए सिर्फ एक तरह के सीड यानी बीज और पानी देना काफी नहीं होता है, और डिफरेंट टाइप के पक्षियों को एक ही टाइप का खाना देना भी उचित नहीं है। अपने पक्षी को सुरक्षित, हेल्दी और स्वादिष्ट खाना देना जरूरी है। बहुत सारे पेट शॉप में या ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपको डिफरेंट टाइप के स्मॉल, मीडियम, लार्ज बर्ड फूड जैसे कि पेलेट डाइट्स या फिर प्रॉपर डाइट मिक्स मिल जाएंगे जो आप अपने बर्ड्स को फीड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पक्षियों के डाइट प्लान हमारे डाइट प्लान के साथ काफी मिलता जुलता है? चलिए जानते हैं आपके पक्षी के डाइट प्लान में कौन सा आहार कितने परसेंटेज में देना चाहिए। पहले तो उनके खाने में 50% अनाज के प्रोडक्ट्स यानी ग्रीन प्रोडक्ट्स और 45% सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद होना चाहिए। तो बेसिकली एक पक्षियों के डाइट में ज्यादातर अनाज के प्रोडक्ट्स और सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद रहना चाहिए। तो बाकी बचता है डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स और सीड यानी बीज, कैल्शियम और ट्रीट्स। दोस्तों, उनके खाने में आप डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स 5% दे सकते हैं और केवल 1%, जी हाँ, केवल 1% सीड, कैल्शियम और ट्रीट्स देना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं ग्रेन प्रोडक्ट्स यानी अनाज के प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अनाज के प्रोडक्ट्स 50% देना चाहिए। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स आपके पक्षी को नेसेसरी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। बहुत सारे अनाज के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं, पर ध्यान रखें हमेशा होल ग्रेन खरीदे प्रोसेस्ड ग्रेन के बजाय। जो अनाज के प्रोडक्ट्स आपको देना चाहिए वो है कम नमक वाले बैगल्स, बकवीट और कायशा, कम शक्कर वाले सीरियल्स, चावल, नूडल्स और पास्ता, डालिया, जौ का डालिया, गेहूं के दाने, भुट्टा, बाजरा। पेलेट्स आपके पक्षियों के खाने का और एक अच्छा ऑप्शन है। पेलेट डाइट्स विभिन्न प्रकार के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है और वे विभिन्न आकार, रंग और अलग अलग स्वाद में मार्केट में अवेलेबल है। पेलेट्स आपके पक्षियों के लिए अधिक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट है और आप आसानी से इस डाइट को अपने पक्षियों को दे सकते हैं। पैराकेट फूड से आपके पक्षी अपने लिए कभी कभार हेल्दी फूड ठीक तरह से चुन नहीं पाते हैं। अगर आप उन्हें पेलेट डाइट देंगे तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। पेलेट्स आपके पक्षियों को प्राथमिक आहार के रूप में दिया जा सकता है, पर यह ध्यान रखें कि इस डाइट को अकेले ना दे। अगर आपके पक्षी सिर्फ सीड ओनली डाइट यानी एक प्रकार के बीज के डाइट के ऊपर निर्भर है तो उन्हें उसके बजाय पेलेट डाइट दे। उसके बाद आती है मिश्रित आहार की बारी। मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलाकर बनाया गया स्मॉल, मीडियम और लार्ज बर्ड्स और पैराकिट फूड मिक्सेस मिलते हैं जो कि आपके पक्षियों के लिए अच्छा रहेगा। मिश्रित आहार में मौजूद रहता है बीज, सूखे फल, सब्जियां, अखरोट, साबुत अनाज और भी बहुत कुछ। अगर आपके पास समय की कमी है अपने पक्षी को हर रोज फ्रेश डाइट देने के लिए, तो मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स में अवेलेबल डाइट मिक्सेस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हालांकि ये ध्यान रखें कि आपके पक्षी के न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए नियमित रूप से हेल्दी पेलेट्स और ताजा फल देना जरूरी है। चलिए अब आपके पक्षी के आहार का एक बहुत ही स्वस्थ और इम्पोर्टेंट हिस्सा सब्जियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यादातर सब्जियां पकाने के बाद दिया जाना चाहिए, बट कुछ कुछ सब्जियां कच्चे भी दिया जा सकता है। ध्यान रखें सब्जियां पक्षियों को देने से पहले अच्छी तरह से धो ले और समान आकार के टुकड़ों में काट ले। अब कैंड, फ्रोजन और ताजे पकाए गए मिश्रित सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि जब आप पैक किए गए सब्जियों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अलग से नमक ना रहे। जो सब्जियां आप दे सकते हैं वो है पका हुआ सतावरी, बेबी कॉर्न, बांस की शाखा, पकाया हुआ बीन्स, अंकुरित फलिया, बीट, बेल पेपर्स, ब्रोकली, ब्रोकली फ्लावर, पत्ता गोभी, ऊपर का हिस्सा सहित गाजर, फुल गोभी, लाल मिर्च, अजवाइन, कसानी, चीनी काली मिर्च, मिर्च, धनिया, हरा कोलर्ड, मक्का, खीरा, परिपरक और पका हुआ बैंगन, लहसुन, अदरक के जाड़, जलापेनो मिर्ची, सलाड, पकाया हुआ मसूर, सरसों का साग, लंबी भिंडी, अजामत मटर, पका हुआ आलू, पका हुआ कद्दू, पकाए गए कद्दू के बीज, मूली, सोयाबीन, पालक, पका हुआ मीठा आलू, पका हुआ टमाटर, पका हुआ रतालू और जुकीनी।
चलिए अब फलों के बारे में जान लेते हैं। फल आपके पक्षी के आहार का एक और स्वस्थ और अच्छा हिस्सा है। ध्यान रखें कि फल में सब्जियों की तुलना में अधिक पानी की सामग्री होते हैं। इसके फल को खिलाने के बाद आपके पक्षी के ड्रॉपिंग्स और भी रनी हो सकते हैं। अपने पक्षियों को देने से पहले सभी फलों को अच्छे तरह से धो ले। फलों में आप दे सकते हैं सेब, पर उसमें से बीज और स्टेम निकाल लीजिएगा। केला, काला जामुन, कैक्टस फल, चेरीज, नारियल, क्रैनबेरी, किशमिश, खजूर, अंजीर, काला, हरा और लाल अंगूर, चकोतारा, अमरूद, लीची, नींबू, आम, संतरा, पपीता, नाशपाती, उनका बीज निकाल के देना चाहिए, अनानास और अनार। चलिए अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि पक्षियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, पर फिर भी उनको कम मात्रा में डेयरी का प्रोडक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से सही मात्रा में कैल्शियम मिलता है उनको। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप उनको दे सकते हैं वो है चीज, पनीर और दही। शायद आपको ये पता ना हो कि पक्षियां मांस भी खाते हैं। जंगल में ज्यादातर प्रजाति के पक्षियों को कीड़े और लार्वा खाते हुए देखा जाता है। आपके पक्षी को प्रोटीन की भी जरूरत है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में उनको मांस भी दिया जा सकता है। याद रखिए कि केवल पकाए हुए मांस ही दीजिएगा। बड़े साइज के पक्षियां जैसे कि मका और कोकातूस को आप मांस के साथ हड्डियां भी दे सकते हैं, क्योंकि तोते के बड़े प्रजातियां हड्डियों से बोन मैरो, जिसमें आयरन और न्यूट्रिशन मौजूद रहता है, वो भी निकाल कर खाते हैं। आप उनको मुर्गी, बोनलेस मछली, भेड़, टूना मछली और पका हुआ अंडा भी दे सकते हैं। चलिए अब बीज यानी सीड के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि बीज जंगल में पक्षी आहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, पर फिर भी वो जो भी खाते हैं उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। ज्यादातर जंगली पक्षी पत्ते, स्टेम्स, सब्जियां, फल, बीज, फूल, कीड़े और कीट लार्वा वगैरह खाते हैं। हमारे पालतू पक्षियों को भी ऐसे ही आहार की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ एक प्रकार के बीज का डाइट देना काफी नहीं होता है। बीज में बहुत सारा फैट रहता है, इसलिए ज्यादातर पक्षियां ओबेस हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें फैटी लीवर बीमारी होती है। सीड में विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, इसलिए अगर आप अपने पक्षियों को सिर्फ एक प्रकार के बीज खिलाएंगे तो उनका डाइट अधूरा रह जाएगा। बीज कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीज आपके पक्षियों के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर मीडियम और लार्ज साइज के तोते अक्रोट, बादाम वगैरह खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप इन चीजों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अपने पक्षी के आकार के हिसाब से उन्हें पूरे या कटा हुआ नट्स दे सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि आप केवल बिना नमक वाले नट्स ही यूज करें। हालांकि नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, पर इसमें फैट भी ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए अपने पक्षियों को कम परिमाण में ही नट्स दिया करें। जो नट्स आप अपने पक्षियों को दे सकते हैं वो है बादाम, काजू, पोरक, अखरोट, मूंगफली, पाइन नट्स, पिस्ता। छोटे पक्षियों को भी कैल्शियम की जरूरत होती है। कटल बोन आपके पक्षियों के कैल्शियम की जरूरत पूरी करता है और इसके साथ साथ ही उनके चोंच भी ट्रिम्ड रहता है। छोटे पक्षियों के लिए सबसे अच्छा ट्रीट है बाजरा। बाजरा पक्षियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय ट्रीट है और वे इनके लिए कैंडी की तरह है। चलिए अंत में जान लेते हैं अपने पक्षियों को खाने में क्या नहीं देना चाहिए। शराब, एवोकाडो, कॉफी, चॉकलेट, फलों के गद्दे और उसके आसपास के मांस जिसमें साइनाइड होता है और रूबर्ब, ये सब आपके पक्षी के लिए जहर के जैसा है और किसी भी हालत में ये आपके पक्षियों को देना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर इस टाइप के और भी वीडियोस आपको देखना है तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।